अब अज कम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हुण असीं अज दीआं मुख खबरां ते इक नज़र मारदे हां। बीजेपी जेजेपी के गठजोड़ की सरकार ने हरियाणा विधानसभा में अंधविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग जित हासिल की है। इस तो बाद जेजेपी के प्रधान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके भाजपा जेजेपी गठजोड़ को जिंदाबाद कहा। उन्होंने कहा कि जन नायक ताओ देवीलाल के विचार ज्यौते हैं, किसान हितैषी भाजपा जेजेपी सरकार जिंदाबाद। दस दिए कि भाजपा जेजेपी गठजोड़ की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस वालों लिया गए भरोसे के प्रस्ताव के हक में 32 वोटा पे, विरोधी धिर के हक में 55 वोटा पे। दस दिए कि विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक ने। हरियाणा की 90 मैंबरी विधानसभा में इस समय कुल मैंबर की गिनती 88 है, जिन्होंने 77 भाजपा के 40 मैंबर ने, जेजेपी के 10 मैंबर ने। सदन में आजाद उम्मीदवार की गिनती 7 है, एक मैंबर हरियाणा लोक हित पार्टी के नाल संबंधित है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में जख्मी हो गए हैं। उन्होंने पैर कुचल का दोष लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाल एक साजिश के तहत यह सब कुछ होया है और वह इस बारे चौंक कमिश्न में शिकायत करेगी। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ने छाती में दर्द की शिकायत की है। उन्होंने टैलीविजन चैनल के नाल गलबात करदे कहा कि जिस समय यह घटना उन्होंने नाल वापरी सी, स्थानक पुलिस भी उन्होंने नाल नहीं सी। दस दिए कि ममता बैनर्जी ने इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट तो चोण लड़न का ऐलान किया। बठिंडा विखे अज आल पंजाब आंगनवाड़ी यूनियन वालों इकट्ठ करके पुलिस मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। दरअसल बीते कल आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन वालों अपनी मांगों को लेकर खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के दफ्तर का घिराव करने की कोशिश की गई। जदों पुलिस वालों बैरीकेड लाते हुए उन्होंने रोकने की कोशिश की गई तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। आंगनवाड़ी मुलाजम बैरीकेड तोड़ के मनप्रीत बादल के दफ्तर पहुँच गए। इस दौरान पुलिस ने उन्होंने रोकने लिए धक्का मुक्की भी की। आंगनवाड़ी वर्करा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इस दौरान उन्होंने गलत हरकत की, बदसलूकी भी की। उधर पंजाब विधानसभा में हंगामे मगरों अकाली विधायकों ने नारेबाजी के बाद सदन में अज वाकआउट कर दिता। अकाली विधायक बेगम मजीठिया ने इल्जाम लगाए हैं कि 8 मार्च ने प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी मुलाजमान के नाल कांग्रसी विधायकों ने बदसलूकी की है, इसलिए अकाली दल ने कांग्रसी वर्करा ते पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दमदमी टकसाल वालों धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 400 साल पावन प्रकाश पुरब में समर्पित गुरुद्वारा शहीद गंज साहब बाबा दीप सिंह जी श्री अमृतसर साहब विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के संपूर्ण शुद्ध पाठ समागम की आरंभता की गई। दमदमी टकसाल के मुखी संत समाज के प्रधान संत ग्ञानी हरनाम सिंह खालसा की अगवाई में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता और संत महापुरशों के सहयोग के नाल यह पाठ पुरब समागम 16 अप्रैल तक चलेगा। समागम के दौरान स्कूली बच्चिया औरतों के नौजवान वर्ग वालों भी गुरबाणी संख्या प्रति खास रुचि देखने को मिली है। प्रोफेसर सरचान सिंह के अनुसार इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतान संबोधन के दौरान दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा वालों पंथक प्रयोजन सिख पंथ की चढ़ती कला और कौमी फर्जा के नाल गुरबाणी संथ्या प्रचार और प्रसार वाल खास ध्यान देंद्या किए जा रहे विशेष उपराले की शलाघा की। दमदमी टकसाल वालों अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र स्थान पर किए जा रहे समागम को इतिहासक करार दिता। उन्होंने कहा कि गुरबाणी अदब के खेत्र में दमदमी टकसाल की कौम बहुत वड्डी देन है। इस दे विद्वानों ने गुरबाणी शुद्ध उच्चारण संभाल के रखा है और टकसाल वालों दसी जा रही अर्थावली सिख ते है। श्री दरबार साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह ने गुरबाणी के गलत उच्चारण शब्द की गुरु की बेअदबी के तुल दसिया। उन्होंने ग्रंथी रागी के प्रचारकों पाठ बोध समागमों में जरूर हिस्सा लेके ज्ञान प्राप्त करने की अपील की। तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने शुद्ध पाठ दिया विशेषतावान से इतिहासक पक्ष से रोशनी पाद्या गुरबाणी के गुर इतिहास की महानता को चुठला उत्ते लगे हुए पंथ दुखी और स्वार्थी लोगों प्रति सुचेत रहने की संगत को अपील की। संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने सिख कौम शुद्ध पाठ की प्रति आए अवेसलापन उत्ते चिंता प्रगट करदा कहा कि गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण बिना गुरबाणी के सही अर्थों को समझा नहीं जा सकता, इस करके बाणी शुद्ध उच्चारण और समझ के नाल पढ़ी जानी चाहिए है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी साडे जीवन का आधार है, इसका शुद्ध उच्चारण एक महान सेवा है। संगत को गुरबाणी के शुद्ध उच्चारण की विद्या और अर्थ बोध तो जाणू करवाना समय की मुख्य लोड़ है। श्रोमणी कमेटी के सबका सीनियर मीत प्रधान भाई रजेंद्र सिंह मेहता ने कहा कि सिक्खी का प्रमुख सोमा गुरबाणी है, इसलिए पंथ दुश्मन गुरबाणी प्रति शंके पैदा करने यत्नशील हैं। उन्होंने समेत संत बाबा कश्मीर सिंह जी पुरी वाले भाई गुर इकबाल सिंह बीबी कौलां जी भलाई केंद्र चीफ खालसा दीवान के प्रधान सरदार निर्मल सिंह ठेकेदार सरप्रस्त भाग सिंह अणखी सकत्र सरदार सविंदर सिंह कथू नंगल श्रोमणी कमेटी के चीफ सकत्र एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बाबा हरनाम सिंह खालसा वालों किए जा रहे उपराले की शलाघा की। इस दौरान भाई अजैब सिंह अभ्यासी श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्र एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका फैडरेशन प्रधान अमरवीर सिंह टोट ने भी संगत को संबोधन किया।
किसान अंदोलन में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सीनियर आगू ते भाजपा के सबका कौमी सकत्र हरजीत सिंह गरेवाल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर एक पत्र लिखा है। इस पत्र गरेवाल ने लिखा है कि वह फिरकू गतिविधियों तो दूर रहन और धार्मिक संस्था का अक्स बरकरार रखन। गरेवाल ने अपने पत्र में लिखा कि हाल ही दिल्ली के नाल लगदियां हदों उपर अंदोलन कर रहे किसानों के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आरजी शैड बना के देगी जिस सदका पक्षे मुहैया किए जाएंगे। गरेवाल ने कहा कि बतौर प्रधान बीबी जगीर कौर ने यह भी बयान दिता से कि किसानों लिए चल रहे लंगर और आरजी पखाने भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि तुहाडे बयान में यह भी कहा गया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस अंदोलन में मरण वाले किसानों के परिवारों को एक एक लख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गरेवाल ने इन्होंने फैसलों के संबंधी अपनी राय रखदिया दसिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की असल भूमिका गुरुद्वार का प्रबंध देखना है। उन्होंने कहा कि एक निरोल धार्मिक संस्था होने के नाते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का किसान अंदोलन में सीधे तौर पर दखल देना जिथे वक्-वक् मजहबों के लोग हैं। मैं समझता हाँ कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 और पंजाब एक्ट 1925 तहत दी गई व्याख्या के उल्ट है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस तरह करके अपने अधिकार खेत्र हदा ही पार नहीं कीतियां सगो किसान अंदोलन में एक फिरकू रंगत भी दिता है जिसनों के गरेवाल बेरुड़ी से मंदभागी घटना आख रहा है। गरेवाल ने पत्र में बीबी जगीर कौर को अपील की है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान होने के नाते तुहानू इस तरह की गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और एक धर्म संस्था का अक्स बरकरार रखना चाहिए। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਆਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 25 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ 27 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। सारा लिख दिया मैंने, चचे नंबर इंजन नंबर इसीलिए लिखा था कि किसी आप मीडिया में निकालो तो लोगों को पता लग बढ़िया। नंबर लिखने का तो फायदा नहीं होता, नंबर तो सारे फेक। तरीका पता लगा सर कैसे चोरी करते थे, कोई ऐसा अलग से कोई नया इन्होंने तरीका निकाला? कुछ नहीं है, बस जहाँ मान लो कोई बंदा मार्केट जा रहा है या सुनसान थान पे खड़ी है उसको ये बेचने जा रहा है। किस एरिया से चोरी की है स्पेसिफिक? शहर जो कुछ लागे की पिंडा शहर तो नहीं थी लागे सके भी कसीदा जगह की पिंडा जी। ये कहाँ निकला है? ये 3 नंबर पे जिस पे 4 लोग कदम हैं। अच्छा, वहाँ से भागा हुआ था। ये भी किराए पे छोड़ दे और वो पता नहीं किराए पे रहेंगे यार। और सर गाड़ियां ऑलमोस्ट अपने जिले से चोरी है या बाहर से भी चोरी की है? उन्होंने देखो लागे हाँ जी सर, फिरोजपुर सीआईए स्टाफ ने एक बहुत बड़ी सफलता मिली हैगी जदों उन्होंने एक मुखबर खास की तलाते दाणा मंडी पिंड जोक हरिहर के उत्थों तो 4 बंदे गिरफ्तार किए हैगे। पहला हैगा मनप्रीत सिंह उर्फ कालू, दूजा हैगा हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, तीजा दलजीत उर्फ मत्ती, चौथा हैगा अनूप सिंह उर्फ अनुपा। इन्हों को पूरा पूछताछ असी किया तो टोटल रिकवरी 25 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा असी रिकवर किए हैं। प्रेस नोट के असी इन्हों सारे मेक मॉडल और चचिस नंबर इंजन नंबर भी शो किए हैं कि ताकि लोगों को पता लग सके कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी वाला तो ये नहीं है। क्योंकि यह लोग क्या करते हैं कि जो नंबर है वो बेसिकली फेक लगा लेंगे हैं, इसीलिए असी चचिस नंबर इंजन नंबर का ब्यौरा देता है। इन्हों का जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैगा जो मनप्रीत सिंह और काला हैगा उसके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे दर्ज है NDPS और चोरी के मुकदमे है, और जो दोषी दलजीत और फिर मत्ती है उन्होंने खिलाफ भी पहले एक माइनिंग एक्ट का एक पर्चा दर्ज हैगा। और असी डूंगाई नाल पूछताछ कर रहे हैं कि और भी असी रिकवरी होने के चांसिज है इन्होंने को सर इन्होंने को कुछ और भी बरामद हो जाए? नहीं, मोटरसाइकिल ही बरामद है इन्होंने को जो 27 जो रिकवरी दिखाई है। ये बेसिकली अपने जो शहर के भी काफ़ी चोरियाँ की और नेड़े नेड़े के पिंड है उन्होंने भी काफ़ी चोरी की है जिते सुनसान थान पर कोई मोटरसाइकिल या भीड़ भाड़ इलाके में मान लो कोई बंदा शॉपिंग करने चला जाता है उत्थे कोई भी नहीं होता तो वो चोरी का शिकार कर लेंगे। ये बेसिकली एक तो तरन तारण का है लेकिन हाल इतने सिटी के रहा है, बाकी थाना RFK के रहने वाले है बाकी 3। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀਗੜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ? ਲੋਕਲ ਇਹ ਅਭੀ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕਾਂ ਵਾਂ ਮੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ।
अजे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह धमाका किस चीज़ का होया है। बाद पता चलिया कि सिलेंडर का विस्फोट से की सी पूरा मामला आओ देखते हैं। SHO बलवीर सिंह जी आर पी थाना अमृतसर। सर की मामला की है? मामला जिहड़ा अग बुझाऊ यंत्र हुंदा इन्हां दे कोल सिलेंडर वो फटिया उहदे ते वेखदे आ इन्वेस्टिगेशन करदे आ वी की हैगा इहदा मैटर हैगा। जो भी तत्थ सामने आए उह सामने लियावांगे दस्सांगे तुहानू। इह कमरे च काम की हुंदा सर? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਕੈਬਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅੰਦਰ? 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਟੋਟਲ 7-8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਛੇਕ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਸ सेफ है और सारा साढ़े सिस्टम सेफ है, कोई ऐसी सर, नाम नाम डेफिनेशन? मेरा नाम अशोक सिंह सवारी है, डिवीजनल ऑपरेशंस मैनेजर। सर फटिया की वैसे पता लगा कुछ? मैं ये बारे कमेंट नहीं कर सकता, बाकी कह रहे हैं फायर एक्सटेंशन फटिया जो अग बुझाते हैं, बस और कोई ऐसी गल, सब कुछ सेफ है। कोई नहीं, बस नहीं सिलेंडर सिस्टम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।